नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पैन इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार प्रभास। इनकी साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म सलार बॉक्स ऑफिस पर अपने 15 दिन पूरे कर चुकी है और दोस्तों आज ये फिल्म का 16वां दिन और हेटर्स के द्वारा फैलाई गई तमाम नेगेटिविटी के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। और दोस्तों ये फिल्म आज सैटरडे होने की वजह से फिल्म अपने कलेक्शन में काफी अच्छा जंप दिखा रही है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म के कलेक्शन को फेक बताने की भी कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी ऑडियंस पे इसका ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ा क्योंकि ये फिल्म ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। तो अगर आप भी सुपरस्टार प्रभास के बहुत बड़े फैन और जानना चाहते हैं कि ये फिल्म शुरुआती 16 दिनों में कितनी कमाई कर चुकी थी, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों डायरेक्टर प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनाई गई फिल्म सलार, जिसने की अपने शुरुआती 15 दिनों में सिर्फ इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से लगभग 445 करोड़ की धमाकेदार कमाई कर चुकी है। वहीं ये फिल्म शुरुआती 15 दिनों में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से लगभग 677 करोड़ की धमाकेदार कमाई कर चुकी है। दोस्तों अगर बात करें फिल्म के आज के कलेक्शन के बारे में, तो आज मॉर्निंग से ये फिल्म लगभग 15% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई है। और दोस्तों इवनिंग नाइट में इस फिल्म के आज भी कई सारे शोज हाउसफुल होने वाले हैं, जिसको देख के अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज के दिन का फिल्म का कलेक्शन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पे एक बार फिर से लगभग 8 करोड़ का आने वाला। और दोस्तों वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म आज लगभग 15 करोड़ की धमाकेदार कमाई करने वाली है। इसी के साथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म सलार का कलेक्शन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती 16 दिनों का लगभग 450 करोड़ का हो जाएगा। और दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से फिल्म का कलेक्शन लगभग 492 करोड़ का हो जाएगा। और दोस्तों ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में लगभग 750 करोड़ तक की कमाई दुनिया भर से करते हुए सुपरस्टार प्रभास के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने वाली है। तो दोस्तों आप सभी को फिल्म सलार कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।